নমস্কার, আপনারা দেখছেন চ্যানেল 24/7। আপনাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছে আমি অর্ণব। বৃহস্পতিবার বিধানসভা নির্বাচনের পরে রাত্রিবেলা ভাটপাড়া থানার ঠিক ঢিলছোনা দূরত্বে দুই যুবক বাইকে করে এসে রাজা চৌধুরী বলে এক যুবককে মাথায় গুলি করে খুন করে এবং ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। ঘটনার পর আজ সকালে নিহত যুবকের পরিবারের লোকেরা ভাটপাড়া থানার সামনে গিয়ে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকলে তাদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। এখনও পর্যন্ত ঘটনায় পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। पहला बात, रात में वो आया था लड़का, छोटा बच्चा था, चाय पीने के लिए दुकान बंद था, दुकान बंद था। उसके बाद दो लड़का यहाँ पर खड़ा था, खड़ा होकर उसके बाद उसको बुलाया, उसके बाद पीछे से दो एक आदमी हाथ धरा, एक आदमी उसको गोली मारा, ठीक है। और अभी जब एफ आई आर कराने के लिए सब महिला लोग गए तो उसको बोले कि 5,000 लेकर केस टोकन डिसमिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद जब ये लोग चिल्ला चिल्ली किया कि हम लोग 5,000 किस लिए लेंगे, जान जब गए है तो 5,000 कीमती है, एक इंसान के लिए 5,000 कीमती है, बोलिए। तो उन लोग उसके बाद उन लोग दलदल चार्ज कर दिया। यहाँ पे जितना महिला है सबको चोट लगा, सब महिला को चोट लगा। जिसको गोली लगा है उसका नाम क्या है? राजा चौधरी। गोली जो मारा है उसको देखे, उसका नाम है अमन, राजू गुंडा का भतीजा। गुंडा का भतीजा है। कौन आदमी था? वो लोग दो आदमी था। एक गोड़ा वहाँ पर आगे से बाइक लेकर खड़ा था, उसका नाम है छोटा बाबू। एक आदमी बाइक लेकर खड़ा था साइड में, उसका नाम है छोटा बाबू। दो आदमी यहाँ पर खड़ा था तो वो लोग मार कर उसके बाद गाड़ी से वो लोग फरार हुआ।